हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल ओमनिकियान मेरे चैनल ओमनिकियान में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ स्टोरी ड्राइव इन अ मोटर कार बाय रोल्ड डैल सो दिस इज रोल्ड डैल दिस इज रोल्ड डैल एज यू कैन सी ओके लेट्स लर्न अ शॉर्ट बायोग्राफी अबाउट रोल डैल रोल डेल वॉज अ ब्रिटिश ऑथर हु पेंड नाइनटीन चिल्ड्रेंस बुक्स सो ही वॉज अ ब्रिटिश ऑथर जिन्होंने टोटल नाइन्टीन चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन बुक्स लिखा था ठीक है बच्चों के ऊपर किताबें लिखा था ओवर हिज डेकेट लॉन्ग राइटिंग करियर ही पब्लिश द बेस्ट सेलिंग स्टोरी कलेक्शन सम वन लाइक यू ठीक है तो समन लाइक यू जो है उनका बेस्ट स्टोरी कलेक्शन में से Uh, एक था जो 1953 में पब्लिश हुआ था पब्लिश द पॉपुलर बुक जेम्स एंड द जाए पीच इन 1961 आप ये पढ़ सकते हैं बहुत सुंदर सब किताब है ओके जेम्स एंड द जाएं पीच जो कि आया था 1961 में पब्लिश हुआ था ठीक है उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1964 में उन्होंने एक दूसरा बुक रिलीज़ किया जो कि बहुत सक्सेसफुल था एक चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री ठीक है एक चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री विच वॉज लेटर अडाप्टेड फॉर टू फिल्म दो फिल्म के लिए एक किताब जो है इन इस किताब से जो है दो मूवीज बने हैं एक्चुअली इस किताब पर आधारित ओके बेस्ड ऑन द स्टोरी टू मूवीज वेयर मेन एक्चुअली ओके सो डेल वॉज बॉर्न इन लैंड डैफ और ये जो कहानी है ड्राइविन मोटोकर दिस ऑल्सो ऑकर्स इन लैंड डैफ ओके वे इज लैंडैफ इट इज़ इन साउथ वेल्स ऑन सेप्टेम्बर थर्टीन नाइनटीन सिक्सटी नाइनटीन सिक्सटीन तो उनका जन्म हुआ था सेप्टेम्बर थर्टीन नाइनटीन सिक्सटीन को लैंड ऑफ में ठीक है साउथ वेल्स का एक विलेज है डैज पेरेंट्स वेर नो वेगन या नो वेयन एज अ चाइल्ड ही स्पेंड हिज समर वेकेशन विजिटिंग विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स इन ओसलो तो जब समर वेकेशन हो जब भी होता था रॉल डैल जब छोटा था तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के वहाँ पर जाते थे ओसलो में एंड वेन डैल वॉज फोर ईयर्स ओल्ड हिज फादर डाइ जब डैल uh, चार साल uh, के थे तब उनके पिताजी का डेथ हो गया था ओके फादर एक्सपायर्ड वेन डेल वॉज ओनली फोर ईयरस ओल्ड ठीक है तो ये था शॉर्ट बायोग्राफी अब हम लोग देखेंगे स्टोरी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक बहुत फनी नोट से कहानी शुरू होता है ओके द स्टोरी स्टार्ट्स विथ यू नो फन बट एंडिंग थोड़ा सा ट्रैजिक तो मैं नहीं कहूँगा आई वंट से दैट द स्टोरी एंड्स इन अ ट्रैजिक वे बट दे इज अ ट्रैजिडी दैट ऑकर्स इन द स्टोरी एंड दैट वी विल लर्न एज वी प्रोग्रेस जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि कहानी में फ़न भी है उसके साथ साथ थोड़ा ट्रेजिडी भी है सो द स्टोरी इज़ अबाउट दी ऑथर हिमसेल्फ तो राइटर जो है ये कहानी जो है हम कह सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ एन ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी काइंड ऑफ एन ऑटोबायोग्राफिकल ठीक है काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल क्योंकि राइटर जो है वो अपने खुद का एक लाइफ इंसीडेंट हम लोग के साथ शेयर करते हैं द राइटर हिमसेल्फ शेयर्स अ लाइफ इंसीडेंट एक्चुअली ओके सो इन वन वे वी कैन से दैट ये उनकी कहानी है वो जब छोटे थे वेन द वन द ऑथर रॉल डैल जब छोटे से बच्चे थे ओके okay, बारह साल उनका उम्र था ही वॉज ओनली ट्वेल्व ईयर्स ऑफ ईज एट दैट टाइम समथिंग हैपन विद हिम एंड हिज फैमिली एंड दैट इंसीडेंट ही इज शेयरिंग ना ओके तो एंड द ट्रेजिक एक्सीडेंट दैट हैड इन रियल टू सच्ची में हुआ होगा उनके साथ ये एक्सीडेंट ओके ठीक है तो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक ट्रैजिक एक्सीडेंट उनके लाइफ में हुआ था जब वो बारह साल की उम्र के थे हम लोग आगे देखेंगे ठीक है मैं सब कुछ रिवील तो नहीं करूँगा आई वोट भी रिवीलिंग एवरी थिंग ओके द स्टोरी इज़ अबाउट डैल हिज मदर एंड हिज हाफ सिस्टर तो हालांकि दूसरे कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में हम लोग देखेंगे वो बट देन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स डैल हिमसेल्फके ही ईवर्स ऑफ ट्वेल्व ईयर्स ओके हिज मदर एंड हीज़ हाफ सिस्टर हाफ सिस्टर को हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं स्टेप सिस्टर नॉट एग्जैक्टली स्टेप सिस्टर ये एक्चुअली स्टेप सिस्टर नहीं होता है बट uh, uh, हम लोग फॉर द टाइमिंग जो है इन्हें स्टेप सिस्टर कह सकते हैं ओके दे हैड परचेज न्यू मोटर कार कॉल डी डी बोटन तो उन्होंने एक नया कार खरीदा अपनी फैमिली के लिए क्रिसमस टाइम था सुहाना मौसम था तो वो लोग ड्राइविंग के लिए निकले तो अपने नए कार में उन्होंने सोचा कि नया कार खरीदा चलो ड्राइविंग के लिए निकलते तो गाड़ी का जो मॉडल है नाम है वो है डी डी ऑन बोटन मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ ठीक है ये उनका नया गाड़ी ब्रांड न्यू कार दैट दे हैड जस्ट परचेस्ड ओके उन्होंने खरीदा था मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ डी डी ऑन बोट का देखिए ये है डी डी ऑन बोटन तो इस गाड़ी का एक फी फीचर है आप देखेंगे फीचर दिस पर्टिकुलर फीचर इज देयर इन योर बुक आल्सो ओके सो यू सी वेरी नाइसली And you listen very nicely. I'll show you the picture also and explain. I'm explaining you with picture because uh, the feature, the description of the car is given in your book also. So you see this windscreen in front. You have seen that front make windscreen hai, right. This is called DD on boaton. This is nineteen twenty five uh, model hai actually. DD on Okay. You can search in the internet for more details. I won't uh, go with the detail. Okay. I'll just go with the features because this is in your book. तो फीचर में क्या है कि ये आप देखेंगे सामने एक विंडस्क्रीन स्क्रीन है दिस इज द विंडस्क्रीन स्क्रीन राइट दिस इज द स्क्रीन ठीक है बाकी आप जो एरिया है आप देखिए ये पूरा खुला है इट्स ऑल ओपन राइट इट्स ऑल ओपन जनरली कार कैसा होता है पूरा ढका हुआ होता है राइट मेटल बॉडी पूरा ढका हुआ बट ये जो मॉडल था डी डी ऑन बोट उनका ये जो है ये फ्रेंच मॉडल है ठीक है ये एक फ्रेंच कार है आपको किताब में भी मिलेगा फ्रेंच ऑटोमोबाइल बोल के किताब में बोला गया है इट्स इट्स अ फ्रेंच कार एंड आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू बिकॉज इट इज देयर इट्स अ फ्रेंच कार ओके फ्रेंच मॉडल है ये तो आप देखेंगे पूरा खुला हुआ है ओपन है अब ये ओपन जो है ये टेम्पररी है क्योंकि मैं आपको दिखा तो ये जो आपको विंड स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना आई एम सॉरी ये जो आपको पीछे का जो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है ना ठीक है ये जो पीछे का आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है आप देखिए ये कैनवस हुड टाइप का है दिस इज़ हुड कैनवस हुड ये मेटल नहीं है यह कपड़ा का कैनवस का बना हुआ एक हुड है तो अगर आपको ठंडा लगता है या बारिश का मौसम आता है ठीक है तो आप इसको जो है कवर कर सकते हैं, पूरे कार्य आप इसको जो है खींच के आप इस चीज़ को खींच के आप इस चीज़ को जो है खींच के ऐसे ऊपर अगर लगा दे तो गाड़ी पूरा कवर हो जाएगा द कार विल बी कवर्ड द व्हीकल विल बी कवर्ड राइट तो ये एक फीचर है और सामने से सा अगर हवा आता है गर्मी का मौसम अगर होता है या आपको कोई सुहाना मौसम है और बाहर जो है नो रेन आउटसाइड कोई बाहर बारिश बिल्कुल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि गाड़ी में बैठे आप तो सुंदर अच्छा अच्छा हवा लगता है तो हवा हवा जो है ये ब्लॉक नहीं होता है क्योंकि आपने पीछे का जो विंडशील्ड है आई एम सॉरी ये जो कैनवस हुड है ये आपने खोल दिया तो हवा जो है बहते हुए पीछे चला जाता है ओके तो आपको आराम भी लगता है यू फील रिलैक्सड कूल ओके और एक फीचर है यहाँ पे ये यह जो हॉर्न है ये बल्ब टाइप का हॉर्न है इसका पिक्चर मैं आपको थोड़ा देर बाद दिखाऊंगा इट शो यू लिटिल लीटर दिस इज अ बल्ब हॉर्न एक्चुअली आज के जैसे वो ऑटोमेटिक हॉर्न नहीं होता है जो स्टेयरिंग के ऊपर होता है ना यू प्रेस द मिडल ऑफ द स्टेयरिंग एंड देन यू प्रेस द हॉर्न दैट इज अ हॉर्न बट ये जो है नाइनटीन मॉडल का कार ये बल्ब जैसा होता है यू ना हवा बल्ब इज ठीक है ना ऐसा होता है तो यहाँ पे प्रेस करने से जो है यहाँ पे प्रेस करने से जो है ये हॉर्न बजता है ओके द हॉर्न एक्चुअली मेक साउंड ओके बहुत लाउड साउंड करते हैं तो आपने देखा ये पूरा मॉडल कार का ये पूरा मॉडल आपने देखा डी डी ऑन बाउट फ्रेंच कार नाइनटीन मॉडल का है ठीक है कैनवस हुड विंड स्क्रीन ठीक है और ये रहा आपका हॉर्न बल्ब हॉर्न ठीक है एनी तो हम लोग अब कहानी को लेके आगे बढ़ते हैं तो डैल जो है डेज हाफ सिस्टर रोअल्ड डैल डैज हाफ सिस्टर वॉज ट्वेंटी वन ईयर्स ओल्ड एक्चुअली जो रोअल्ड डेल के हाफ सिस्टर है और एक्चुअली दिस हाफ सिस्टर इज़ द ड्राइवर ऑफ द कार ऑल्सो इज द ड्राइवर ऑफ द कार ऑल्सो ओके वॉट इज हर एज हर एज इज़ ट्वेंटी वन वो डेल से बारह साल बड़ी है शी इज ट्वेल्व ईयर्स ओल्डर दैन डैल ओके तो आप ट्वेंटी वन माइनस ट्वेल्व कर दीजिए आपको डेल का उम्र का पता चल जाएगा यूल गेट uh, the age ऑफ Roald डैल राइट His हाफ सिस्टर अब उनका जो हाफ सिस्टर है ये जो ड्राइवर है उनका नाम नहीं दिया हुआ है हर नेम इज नॉट गिविन यूर एनी वेज नो प्रॉब्लम वी विल कॉल अ ड्राइवर सिस्टर और ड्राइवर तो जब भी मैं ड्राइवर कहूँ तो आप समझ लेना दैट शी इज द हाफ सिस्टर ऑफ रोअल डैल तो ही हाफ सिस्टर रिसीव टू आर्स ड्राइविंग लेसन फ्रॉम द सेम मैन हु कार तो जिस आदमी ने इनको वो गाड़ी डिलीवर किया था नया कार जो है डिलीवर किया था उसी आदमी से इस हाफ सिस्टर ने ड्राइविंग सीखा और कितना घंटा ड्राइविंग सीखा सिर्फ दो घंटा अब मैं सिर्फ ओनली वर्ड ओनली टू आवर्स शी लर्न ड्राइविंग वाई एम आई यूजिंग द वर्ड ओनली वी विल लर्न लिटिल लेटर ओके दैट्स क्वाइट फनी ओ सो हालाँकि द्रैजडी इन इट लिटल बिट ऑफ ट्रैजडी इन इट बट इट्स इट्स लिटिल फनी बिकॉज विद इन टू आवर्स आई मीन इट इज़ नॉट क्वाइट लाइक सफिशियंट टू लर्न अ व्हीकल बट

लिटिल बिट एनी हम लोग थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट देख लेते कि कौन कहाँ बैठा था गाड़ी के अंदर वो लोग बहुत खुश थे मौसम सुहाना था क्रिसमस टाइम एंड क्रिसमस सीजन एंड नया गाड़ी न्यू कार सो एवरीबडी वॉज एक्साइटेड एंड दे विश टू गो ऑन अ ड्राइविंग ओके आउटसाइड लॉन्ग ड्राइव आउटसाइड सो हम लोग देख लेते लेट्स सी कौन कौन कहाँ बैठा था और उनकी एज ओके okay, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है दीज आर देयर एजेस ओके रेस्पेक्टिव एज तो लेट्स सी नाउ फ्रंट सीट फ्रंट सीट पर कौन कौन था हाफ सिस्टर हु इज द ड्राइवर ऑल्सो हाफ ब्रदर ऑफ रोअल डैल हर एज इज एटीन हाफ सिस्टर के एज हम लोग देखते शी इज ट्वेंटी वन वी हैव ऑलरेडी लर्न हर एज इज़ ट्वेंटी वन हाफ ब्रादर्स एज इज़ एटीन क्विट बिग देर वॉज अनदर सिस्टर सिटिंग इन द फ्रंट सीट हर एज वॉज ट्वेल्व ठीक है तो टोटल कितने लोग थे थ्री पर्सन सिटिंग इन द फ्रंट सीट ठीक है अब हम लोग देखते बैक सीट बैक सीट पर कौन कौन थे डैल की मम्मी थी जो कि फोर्टी ईयर्स उनका एज था दो छोटे छोटे सिस्टर्स थे एक सिस्टर का एज एट ईयर्स एक सिस्टर का एज फाइव ईयर्स ओके बहुत छोटे हैं वो लोग और रोअल डैल खुद वहाँ पर था रोअल डैल का एज है नाइन एक्जैक्ट एज में आपको बता दूँ ही इज नाइन ईयर्स ओल्ड ओके तो आप लोगों ने ये एज आपको मेमोराइज़ करना है फॉर एग्जाम्प चूज द करेक्ट आंसर्स ओके यू हैव टू मेमोराइज द एज इज ओके यू कैन पॉज द वीडियो एंड लाइक गो थ्रू द एज जस्ट रिमेंबर आई फो गोट टू पुट हीयर रोल्ड एल इज नाइन ईयर्स हर एज इज़ नाइन ईयर्स ओके गोट इट यूल फाइंड इट इन पेज फिफ्टी ऑफ योर बुक जस्ट अबाव द पिक्चर इन योर टेक्सट बुक ओके सो लेट्स मूव ऑन The front seat three people back seat one two small sisters means two so two plus one three and roald dal himself the fourth so total how many people were sitting at the back seat four people and here three people so how many total people total people are seven actually right if you count you'll find it four back side and three in front so total seven people were uh, they're in the car okay and they were all very excited and uh, uh, they were like planning to go out on a long drive so long drive पे वो लोग निकल पड़े they all went out on a long drive so all the children including Dal sab log milke jo hai they were teasing the driver continuously तो sister को जो है जो driver है जो sister है उनके उनको continuously वो लोग teasing कर रहे थे क्या teasing कर रहे थे देखिए क्योंकि उन्होंने नया नया गाड़ी चलाना सीखा ना she had learned Driving like uh, for the first time, so all of them were teasing her. Okay, तो so, कभी कभी क्या है पीछे से वो लोग पूछते so they were asking about the brakes location. तो so, पीछे से जो है बच्चे चिल्ला चिल्ला के जो है sister को कहते हैं driver sister को कहते हैं तुम्हें ब्रेक पता है कहाँ है तुम्हें ब्रेक लगाना भी आता है तुम्हें ब्रेक का लोकेशन भी पता है कहाँ है हाँ और तुम इतनी धीरे धीरे क्यों चला रहे हो ये गाड़ी खटा रहा है क्या ये गाड़ी क्या यू you नो know, इसका स्पीड इनक्रीज नहीं होता क्या ओके okay. तो वो लोग कहने लगे कि गाड़ी क्या फिफ्टी मील मील पर आर पे चल सकता है तो ड्राइवर सिस्टर को तो आ गया थोड़ा गुस्सा ओके तो, okay? तो ड्राइवर सिस्टर लिटिल इंसल्टेड एंड सेड दैट फिफ्टी क्या या सिक्सटी माइल्स पर आवर पे भी चल सकता है ठीक है तो सारे बच्चे जो है पीछे चिल्लाने लगे ठीक है तो चलाओ चलाओ हम भी देखते हैं सिक्सटी माइल्स पर आवर पे चलता है कि नहीं चलता है ओके okay? तो ऑल ऑफ देम टीजिंग द ड्राइवर सिस्टर एंड द ड्राइवर सिस्टर वॉज गेटिंग लाइक डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज लाइक शी वॉज वेरी न्यू इन ड्राइविंग राइट फॉर द फर्स्ट टाइम शी वॉज ड्राइविंग सो शी नीडेड टू कंसनट्रेट ऑन द रोड तो ड्राइवर सिस्टर को जो है रो रस्ते पर भी कंसन्ट्रेट करना था तो वो बार बार बोलती रही कि तुम लोग मुझे तुम लोग मत चिल्लाओ तुम लोग मुझे डिस्टर्ब मत करो यार मुझे रस्ते पर जो है नजर रखना है कौन कहाँ से आ जाता है किसको मैं टक्कर मार दूंगा एक्सीडेंट हो जाएगा तो तुम लोग चुप रहो बट बच्चे कहाँ मानने वाले थे वो लोग तो चिल्ला चिल्ला के जो है सर खा रहे थे दे वर ईटिंग द हेड ऑफ दिस ड्राइवर सिस्टर ओके एंड शी वॉज टेलिंग डोंट शाउट कीप क्वाइट कीप क्वाइट बट चिल्ड्रेन आर चिल्ड्रन ओके दे आर नॉट गोइंग टू लिस देन वाट हैपन इज दैट द ड्राइवर ड्रोव इन अ विज को लैंडव तो लैंडव हम लोग देखते हैं कि लैंडव इज द रियल विलेज ऑफ और द रियल प्लेस ऑफ रोअल डैल ये जो है रोअल डैल का खुद का जगह हम लोगों ने बायोग्राफी में भी देखा वी जस्ट सो इन द बायोग्राफी ऑल्सो देर वेयर वेरी फ्यू व्हीकल्स ओके एंड देर वॉज ऑलमोस्ट नो चांस ऑफ एक्सीडेंट्स तो उस दिन जो है बहुत लकी थे वो लोग दैट इज वाई द वर्ड फॉर्चुनेटली वॉज यूज हेयर ओके द वर्ड फॉर्चुनेटली वॉज यूज अ क्वेश्चन ऑल्सो इन अ टेक्सट बुक वाई डिड द ऑथर यूज द वर्ड फॉर्चुनेटली द ऑथर यूज द वर्ड फॉर्चुनेटली बिकॉज देर वेर वेरी फ्यू व्हीकल्स ऑन द रोड समटाइम्स हार्डली यू विंडॉल ट्रक ओके सम फाइंड अ स्मॉल ट्रक और मे बी अ डिलीवरी और मे बी अ डिलीवरी वैन वो डिलीवरी का सामान लेके जाते हैं ना यूल फाइंड अ डिलीवरी वैन और ओकेशनली नाउ एंड देन समाइम्स यूल फाइंड अ प्राइवेट कार किसी का प्राइवेट गाड़ी जो है आप देखेंगे आस पास से जा रहा है सो so इसी लिए जो है क्योंकि रास्ता ओवरऑल ही एम टी था द्रीट वॉज रोड वॉज एम टी एक्चुअली इन टेक्निकली सो देर वॉज ऑलमोस्ट नो चांस ऑफ एक्सीडेंट्स तो एक्सीडेंट्स के चांसेज बहुत कम थे दैट इज वाई द ऑथर सई दैट देवर एक्चुअली फॉर्चुनेट ठीक है देवर फॉर्चुनेट क्योंकि एक तो ड्राइवर नया द ड्राइवर इज एकदम न्यू ऊपर से जो है रस्ते में जो है लकी थे वो लोग क्योंकि बहुत कम गाड़ियाँ रस्ते पे चल रही थी इसलिए एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत कम थे अब देखिए कि कभी कभी अगर कोई सामने से आ जाता है कोई अगर आदमी इंसान सामने सामने आ जाता है तो ड्राइवर कभी कभी जो है रबर बल्ब का जो हॉर्न होता है ये देखिए ये पिक्चर मैंने ड्रॉ की ये होता है आपका रबर बल्ब का हॉर्न तो ऐसे इधर प्रेस करने से जो है इफ़ यू प्रेस ये तो हॉर्न बचता है आजकल के ऑटोमेटिक गाड़ी जैसा नहीं है नाइनटीन का ज़माना जो है उस टाइम पर ऐसे ही हॉन्स होते हुआ करते थे ओके तो आज भी आपको मिलेगा रिक्शा रिक्शा में अगर, अगर आप जाएंगे तो साइकिल रिक्शा में अगर आप किसी गाँव में उठेंगे तो आज भी उन लोगों के पास ऐसा टाइप का हॉर्न है तो ड्राइवर जो है वो हॉर्न प्रेस कर रहे थे अगर कोई यू नो you know, ये पेडिस्ट्रियन होगा आई एम सॉरी ओके दिस विल बी पेडिस्ट्रियन कोई अगर रहा चलता आदमी अगर सामने आ जाता था तो शी वुड प्रेस द हॉर्न और हॉर्न बसता था तो पेडिस्ट्रियन वो इंसान जो रास्ते पे चल रहा था वो साइड दे देता दे था, था तो वर ओवरऑल इट गोइंग क्वाइट गुड तो वो लोग आराम से धीरे धीरे चल रहे थे एकदम तो आराम से बिंदास कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं अब क्योंकि ड्राइवर नया है अब जितना भी ड्राइवर कहे कि हाँ हाँ मैं सिक्सटी मील्स माइल्स पर आर पर गाड़ी लेके जाऊँगा बट स्टिल द ड्राइवर वॉज लिटल नर्वस ऑल्सो ओके शी वॉज नर्वस सो प्रेजेंटली शी वॉज ड्राइविंग एट ओनली फिफ्टीन माइल्स एंड आर कहाँ सिक्सटी माइल्स परार का डे जो है ड्राइवर मार चुका है क्योंकि बच्चे जो है पीछे चिल्ला रहे ना क्या हटारा गाड़ी इससे तो बैल गाड़ी ज़्यादा फास्ट रहे यह किताबें है नहीं दिस नॉट यू नो बुक आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू यू नो मे बी देर इन साइड ट्रेडिंग इन साइड नो दैट इवन अ ब्लॉक कार्ट यू नो विल गो फास्टर दैन दिस कार ओके यू कैन ड्राइव ऑल्सो सो दिल्ड्रन स्टार्टिंग दीदी जल्दी चलाइए और और फास्ट और जल्दी चलाइए गाड़ी को पे, स्पीड इंक्रीज़ कीजिए एक्सीटर पर पे अपने पैर दबाइए जल्दी जल्दी तो ड्राइवर उनको कंटिन्यूसली बोल रहा था कि चुप करो यार चुप करो मुझे कंसंट्रेट करने दो मुझे रास्ते पे कंसंट्रेट करने दो तो वो चिल्ड्रेन जो है वो चिल्लाने लगे ले लेकिन आपका तो स्पीडोमीटर दिखा रहा है ओनली फिफ्टीन माइल्स अनार ओनली फिफ्टीन माइल्स अनार है अरे जल्दी फिफ्टी माइल्स पे उठाओ गाड़ी फिफ्टी माइल्स सिक्सटी माइल्स पर उठाओ गाड़ी तो ड्राइवर कहता है अरे भाई चुप करो तुम लोग चुप करो मुझे कंसंट्रेशन कंसंट्रेट करने में मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है कि प्लीज़ कीप क्वाइट बट देन वो लोग जब उनको ज़्यादा ही टॉन्टिंग कर रहे थे गाड़ी खटा रहे हैं ये वो आपको ड्राइविंग नहीं आता वैन दे स्टार्ट टोंटिंग हर उनको भी थोड़ी इंसल्टिंग लग गया द ड्राइवर फेल्ड इंसल्टेड एंड उन्होंने स्पीड जो है वो फिफ्टीन से सीधा थर्टी फाइव माइल्स फरार कर दिया डिरेक्टली फ्रॉम फिफ्टीन माइल्स टू थर्टी फाइव माइल्स उन्होंने स्पीड इंक्रीज कर दिया ठीक है आप इसका रिजल्ट क्या होगा व्हाट द रिजल्ट विल बी विल लर्न वेरी शॉर्टली ओके तो जैसे ही ड्राइवर ने जो है सिस्टर ने जो हाफ सिस्टर ने जैसे ही स्पीड इंक्रीज किया इंजन जो है गाड़ी के इंजन पूरा गंग गंग करके पूरा जोर जोर से वो इंजन जो है ऐसा लग रहा था कोई शेर जो है वो दहा रहा है तो इंजन स्टार्टेड रोरिंग और गाड़ी का जो बॉडी था दैट स्टार्टेड वाइब्रेटिंग वायलेंटली पूरा शेक कर रहा था कार ठीक है द बॉडी ऑफ द कार स्टार्टेड शेकिंग एक्चुअली और ड्राइवर जो है वो स्टीयरिंग व्हील ऐसे करके पकड़ा हुआ था जैसे कि एज इफ शी वॉज होल्डिंग द हेयर ऑफ अ ड्राउनिंग पर्सन जैसे कोई इंसान अगर डूबने वाला होता है और डेस्परेटली वो चिल्ला रहा है ना मुझे बचाओ मुझे बचाओ ओके एंड देन कोई जो है स्विमर उसका बाल पकड़ के जोर से टाइटली उस, उसका बाल पकड़ के उसको खींच के ऊपर उठाता है ना कितने जोर से टाइटली तो ये जो हाफ सिस्टर है ये स्टीयरिंग व्हील को ड्राइविंग व्हील को ऐसे ही पकड़ के बैठा था एज इफ शी वॉज होल्डिंग द हेयर ऑफ अ ड्राउनिंग पर्सन पूरा डिस्परेट ओके फुल्ली डेस्परेट ठीक है एंड शी वॉज सी शी वॉज नर्वस ऑल्सो शी वॉज फीलिंग इंसल्टेड ऑल्सो बिकॉज द किड्स स्टार्टेड टॉन्टिंग हर सो नर्वसनेस एंड इंसल्ट यू नो नर्वस और इंसल्ट होने के कारण उनको जो है अंदर एक जो है वो एक एनर्जी uh, आ गया सडनली सडनली सब एनर्जी केमी इंसाइड एंड शी इंक्रीज द स्पीड ऑफ द व्हीकल उन्होंने गाड़ी का स्पीड इंक्रीज कर दिया और सडनली केम आर टर्निंग अभी क्या हुआ एक टर्निंग आया और टर्निंग बहुत स्टीप टर्निंग था इट वॉज अ वेरी स्टीप टर्निंग ओके एकदम ऐसा टाइप का टर्निंग था तो हम लोग जानते कि टर्निंग में हमेशा हमें गाड़ी को स्लो रखना चाहिए ठीक है ना ये कॉमन सेंस का बात है कि वी मस्ट ऑलवेज कीप स्लो वेन देर इज अ टर्निंग लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया द ड्राइवर वॉज अनएबल टू कंट्रोल द स्टीयरिंग व्हील तो स्टीयरिंग व्हील जो है कंट्रोल के बाहर चला गया ड्राइवर का और कितना वो उसको टर्न कर सके तब तक बहुत लेट हो चुका था इट वॉज़ वेरी लेट ओके by the time like uh, she thought of turning it okay by the time she thought of turning the vehicle it was too late and she was new also she was a new driver okay Unko koi experience nahi tha. she was completely inexperienced as a driver and she was driving very fast even when there was a turning also and that by the time she could understand things it got very 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 late एंड द ड्राइवर गॉट इमेंसली नर्वस ड्राइवर बहुत नर्वस हो गया और इतने जोर से उन्होंने ब्रेक्स को दबाया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था एंड शी स्टार्ट क्राइंग फॉर हेल्प ओके शी स्टार्ट शाउटिंग ओके शी स्टार्ट पैनिकिंग एक्चुअली उनको डर लग गया ड्राइवर को कि आप क्या होगा आप क्या होगा एंड फाइनली बहुत देर हो चुका था इट वॉज वेरी लेट एंड द कार क्रैश ऑन दिजेस हेजिस के होते हैं जैसे कि ये रास्ता है ना रास्ते के ये जो आसपास आप जंगल देख रहे हैं ना लंबे 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 का आ, जो बुशेस है दीज आर कॉल हेजेस तो इसके बीच वो गाड़ी को ले गई और गाड़ी जो है अनएबल टू कंट्रोल द व्हीकल अनएबल टू कंट्रोल द स्टीयरिंग व्हील द कार वेंट एंड क्रैश इन द हेजेस यहाँ जंगल में जाके झाड़ियों में जाके जो है गाड़ी पूरा फंस गया अंदर जाके ठीक है यहाँ पे गाड़ी जाके पूरा फंस गया तो आगे देखते हैं द फ्रंट पैसेंजर्स सब क्या किसको क्या हुआ एक्सीडेंट कितना बड़ा था कितना छोटा था हम लोग देखते हैं वेदर द एक्सीडेंट वॉज रियली वेरी सीरियस नॉट लेट अस सी द फ्रंट पैसेंजर्स शॉट थ्रू द फ्रंट विंड स्क्रीन तो सामने के जो तो पैसेंजर्स थे मैं थोड़ा गाड़ी के पिक्चर में लेके जाता हूँ आपको लेट मी गेट यू बैक टू picture ऑफ द कार तो यहाँ पे जो तीन लोग बैठे थे सामने द थ्री पीपल हुए सिटिंग इन फ्रंट इंक्लूडिंग ड्राइवर और उनके जो बाकी दो मेंबर्स वो जो है ये जो खिड़की है ये खिड़की का कांच तोड़ के वो लोग बाहर आ गए दे शॉट थ्रू द फ्रंट विंड स्क्रीन और पीछे में जो चार लोग बैठे हुए थे इंक्लूडिंग रोअल डैल ओके वो जो है वो पीछे का जो है विंड ये जो कैनवस हुडी ये पीछे के विंड स्क्रीन से यहाँ पे एक एक्चुअली एक विंड स्क्रीन भी है ये थोड़ा सा नीचे था यहाँ पे एक और विंड स्क्रीन है पीछे भी इसी टाइप का इसी टाइप का जो है इसी टाइप का एक विंडस्क्रीन पीछे भी था ठीक है तो वो लोग पीछे के लोग पीछे का विंड स्क्रीन तोड़ के निकल गए और सामने के तीन लोग सामने का विंड स्क्रीन तोड़ के निकल गए और राइट right. तो किसको कितना चोट लगा हाउ मेनी ऑफ देम गॉट हर्ट ओके हियर, नो वन वॉज हर्ट एक्सेप्ट फॉर ओनली डैल सिर्फ डैल हर्ट हुआ था बाकी किसी को कुछ नहीं हुआ था अब डैल को क्या हुआ और ये दिस वॉज अ मेरा कैल एक्चुअली इतने बड़े एक्सीडेंट से हालांकि एक्सीडेंट उतना बड़ा नहीं था बट इट वॉज अ मेराकल एक्चुअली फॉर एवरी वन बट नॉट डैल डैल इतना लकी नहीं था डैल्स नोज कट ऑफ डैल का जो पूरा नाक है वो अपने फेस से कट हो गया एंड वॉज हैंगिंग ऑन अ सिंगल थ्रेड ऑफ स्किन तो एक पतले स्किन से जो है उसका नाक अगर इसका हम लोग नाक पकड़े सिर्फ फॉर एक्जाम्पल हालांकि मुझे ड्रॉइंग उतना अच्छा आता नहीं है फिर भी इसका अगर हम लोग नाक का नाक पूरा मुँह से निकल गया था और सिर्फ एक स्किन के सहारे उसके मुंह पे लटक रहा था इट वॉज हैंगिंग ओनली ऑन अ सिंगल थ्रेड ऑफ स्किन तो आप समझ सकते पूरा नाक जो है वो हैंग हैंगिंग पोजिशन में था नीचे उतर के हैंगिंग पोजिशन में था एक सिंगल स्किन के सहारे बहुत सीरियस एक्सीडेंट एंड ब्लड वॉज कमिंग आउट लाइक एनी थिंग तो डेल्स माद ग्रैप ड हैंकर चीफ तो डेल की मम्मी जो है बहुत बहादुरी दिखाया उन्होंने जनरली अगर कोई और ऐसे सिचुएशन में जनरली जो होता है ऐसे सिचुएशन में लोग जो है पैनिक करते पीपल स्टार्ट पैनिकिंग सामने इतना खून देखे तो पीपल स्टार्ट पैनिकिंग इफ दे सी ब्लड और स्पेशली आप कंडीशन लाइक दिस वेयर द नोज हैड कम ऑफ ओके स्पेशली वेन द नोज हैड कम ऑफ पूरा नाक ही निकल गया ऐसे सिचुएशन में कोई भी डर जाएगा बट टैल्स मदर वॉज रियली ब्रेफ शी वॉज शी वॉज वेरी वेरी ब्रेफ एंड नॉट ओनली ब्रीफ शी वॉज इंटेलिजेंट ऑल्सो शी यूज हर इंटेलेक्चुअलिटी हाउ शी न्यू कि मैं ही यहाँ पे सबसे बड़ी हूँ मैं यहाँ पे शी वॉज़ फोर्टी ईयर्स ऑफ एज तो उन्होंने उनके दिमाग में उस टाइम आ गया होगा ओके दैट आई एम एल्डेस्ट इन दिस ग्रुप तो अभी अगर मैं पैनिक करने लगूँ इफ़ आई स्टार्ट पैनिकिंग दैट देन वेर विल द चिल्ड्रेन गो ये बच्चे क्या करेंगे फिर अगर मैं ही डर गया तो ओके सो शी ग्रैपड अंकर चिफ तो उन्होंने क्या किया बहादुर दिखाया हैं, हैंकर चिफ उन्होंने हैंकर चिप को ग्रैप किया एंड बहुत ध्यान से बहुत कॉशियसली वेरी कॉशसली शी प्रेस्ड द ब्रोकन नोज ऑन डैल्स फेस तो धीरे से जो है उनका नाक नीचे से लेके क्योंकि उनका नाक जो है हैंग करा था ना डैल्स नूज वॉज हैंंगचुअली सो तो वॉट हर मदर डिड वॉज उन्होंने एक हैंकर चिप लिया रुमाल लिया रुमाल पे रोअ डैल के नाक को पकड़ा पकड़ के प्रेस करके उनके चेहरे पे फिर से उन्होंने लगा के वो प्रेस करके कर रखा चेहरे पे शी वॉज होल्डिंग इट कंटिन्यूसली ओके शी वॉज प्रेसिंग द ब्रोकन नोस ऑन डैज फेस एंड नो वन वॉज अराउंड एक और डिसएडवांटेज था कि आसपास कोई इंसान नहीं था क्योंकि वो एक सुनसान गांव था ओके लैंड ऑफ वॉज अ वेरी सुनसान विलेज एम टी एंड एरिया वॉज कम्प्लीटली एम टी कोई नहीं था आसपास ठीक है तो मम्मी ने कहा कि डैल तुम गाड़ी में बैठ जाओ कह के, के उन्होंने खुद लेके रोअल डैल को गाड़ी में बिठाया इन द कहा सीट एंड टोल्ड डैल कि तुम बिल्कुल मूवमेंट मत करो डोंट मूव डोंट मूव योर हेड क्योंकि खून जो है वो निकल सकता है और नीचे मत झुको डोंट लीन इन फ्रंट रादर जो है अपना सर दे के पीछे लीन कर लीन करके अपना फेस को ऊपर की तरफ रखो यू कीप योर फेस टॉप ओके एंड लीन बिहाइंड यू लीन बैक ओके तो लीन इन द लीन बैक इन द कार तो गाड़ी में तुम झुक के जो है पीछे झुक के तुम सर को ऊपर रख के तुम बैठो ताकि खून ज़्यादा वेस्ट ना हो एंड उन्होंने तब ड्राइवर से कहा ड्राइवर सिस्टर से कहा कि तुम गाड़ी को पीछे लो अब भी पीछे लो तो ड्राइवर जो है ये सिस्टर ड्राइवर जो है ये एक फ़नी रिप्लाई देती है उस टाइम पे हालांकि वो फ़नी नहीं था उस टाइम पे बट शी गिव्स अ रिप्लाई विच साउंड्स लिटिल फ़नी वो कहती है कि मैं कभी मुझे गाड़ी पीछे चलाना नहीं आता है अब ये तो बहुत मज़ेदार बात है कि आपने गाड़ी चलाना सीखा आपको सामने गाड़ी चलाना आता है बट यू के नॉट रिवर्स योर व्हीकल यू के नॉट ड्राइव योर व्हीकल बैक साइड बैकवर्ड्स दिस इज़ रिडिकुलस ओके तो मम्मी कहने लगी कि तुमको पीछे चलाना नहीं आता तो उसने कहा नहीं मुझे पीछे चलाना नहीं आता तो जैसे तैसे करके जो है बाद में थोड़ा साहस करके यू नो शी दिस्टर एक्चुअली सम हाउ शी ड्राइव द कार और गाड़ी का हालत थोड़ा खराब हो चुका था क्योंकि वो आ, सब कांच टूट चुके थे और गाड़ी थोड़ा डैमेज थोड़ा डैमेज हुआ था ओके okay, और इंजन भी जो है थोड़ा आवाज़ कर रहा था थोड़ा ज़्यादा ठीक है तो जैसे तैसे करके हाउर द कार स्टार्ट एक्चुअली सम हाउ द कार ई स्टार्टेड एंड दे रीच डॉक्टर ढनबर्स क्लिनिंग डॉक्टर ढनबर बोल के एक है डॉक्टर तो उनके क्लिनिक में जो कैथीड्रल रोड पे था कार्डिफ नाम का एक विलेज में वहाँ पे सीधा गाड़ी को ले जाया गया द कार वैन डायरेक्टली देर इन डॉक्टर डर्नबर्स क्लिनिक इन कैथीड्रल ऑन कैथीड्रल रोड ओके एंड द नेम ऑफ द विलेज इज़ कार्डिफ और uh, मम्मी वहाँ पे पहुँची और डॉक्टर डोनबर दन, ने देखा और देख के कहा अरे बाप रे ये तो बहुत यू नो सीवियर एक्सीडेंट हो गया इनके साथ पूरा नाक निकल आया तो मम्मी परेशान मदर ऑफ़ रोअल डैल तो मदर ऑफ़ रोअल डैल ने कहा कि डॉक्टर इसका नाक फिर से वापस आ जाएगा या इसको पूरा ज़िंदगी बिना नाक के ही गुजरना पड़ेगा आप काइंडली थोड़ा कुछ कीजिए तो डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं रबिश मैं इनका नाक फिर से वो स्टिच कर दूंगा ना सिलाई कर दूंगा इनके ना नाक को मैं फिर से ही विल नॉट यू नो बी विदाउट नोज वो अपना पूरा ज़िंदगी बिना नाक के नहीं बिताएगा आप चिंता मत कीजिए मिसेस डैल आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं स्टिच कर दूँगा तो सर्जरी के पहले जो है रोअर डैल को क्लोरोफॉर्म दिया गया अप्लाई किया गया इन ऑर्डर टू मेक हिम सेंसलेस सो दैट द ऑपरेशन कुड बी डन विदाउट एनी प्रॉब्लम ओके सो इट वॉज अप्लाइड ऑन डैल टू मेक हिम सेंसलेस इन ऑर्डर टू ऑपरेट हिज नोस ओके ऐसा होता है ना कि बेहोश कर दिया जाता है क्लोरोफॉर्म दे के तो क्लोरोफॉर्म दिया गया उनको तो क्लोरोफॉर्म दे के जो है उनको सेंसलेस करके ऑपरेशन हुआ एंड ऑपरेशन वॉज नो ओवर ओके ऑपरेशन जो है बहुत क्यों ना कुछ टाइम तक ऑपरेशन चला द ऑपरेशन वेंट ऑन फॉर समाइम्स एंड फाइनली ऑपरेशन वॉज ओवर नाउ एंड आफ्टर एवरीथिंग वॉज ओवर डैल मदर वॉज सिटिंगम एंड डैल वॉज एक्चुअली स्टिल अ स्लीप तो डैल जो है वो अभी तक सेंसलेस थे ओके एंड ही वॉज लाइक स्लीपिंग सेंसलेस इन देंस लाइक ही वॉज स्लीपिंग ओके द ऑपरेशन वॉज डन सक्सेसफुली और डेल की मम्मी उनके डैल के पास बैठी थी ओके शी इज़ अ मदर आफ्टर ऑल ओके एंड जब डैल अपने सेंस में आए वेन डैल एक्चुअली केम बैक टू ही सेंस ही वूक अप उनके मम्मी ने कहा शी टोल्ड हिम द डैल वॉज अ स्लीप फॉर मोर देन टू आवर्स तो जब डैल उठे नींद से तो डैल ने कहा कि क्या हुआ मैं कहाँ हो अब कैसा है सब कुछ जब डैल उठे तो डैल की मम्मी ने पूछा कि तरे तुम तो आठ घंटे के ऊपर होगी यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ ये एट आवर्स होगा कि तुम तो एट आठ घंटे के ऊपर तुम सेंसलेस थे यू आर अ स्लीप फॉर मोर देन एट आवर्स आप सोचिए दोस्तों आठ घंटे के ऊपर वो डैल बेहोश पड़े थे ओके okay? तो डैल को थोड़ा सा वो डिजी फील हो रहा था थोड़ा उसको वीक फील हो रहा था डिजी फील हो रहा था तो डैल ने वोमिट भी किया पास में एक बेसिन रखा हुआ था उस बेसिन में डैल ने वोमिट भी किया बिकॉज शी वॉज फीलिंग डिजी एंड नॉट ओनली दैट द क्लोरोफॉर्म वॉज एक्चुअली देयर स्टिल ओके आप सोचिए नाइनटीन के ज़माने में उस टाइम पर जो है ऑपरेशंस uh, आज के ज़माने में जितना टेक्निक या टेक्नोलॉजी की यूज़ होता है उस टाइम पे वैसा नहीं था ठीक है ना तो बहुत लिमिटेड रिसोर्स के साथ जो है ऑपरेशंस वगैरह होता था तो एनी वेज ही वॉज फील स्टिल फीलिंग डीजी एंड वॉमिटेड तो उसकी मम्मी ने कहा कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और वो सरप्राइज जो है वो तुम्हारे पिलो के नीचे है और वो एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए एंड रोल uh, डैन जैसे ही अपना तकिया अपना पिलो उठाया उसने देखा कि बहुत सुंदर से गोल्ड कॉइन सुवरन हम लोग बोलते हैं ओके okay? बहुत सुंदर से गोल्ड कॉइन और उस गोल्ड कॉइन में एक छोटा सा हेड था हेड ऑफ किंग जॉर्ज फाइव का एक छोटा सा सर वाला एक गोल्डन कॉइन था मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ उसका दिस इज़ द बि कोइन एक्चुअली सी दिस इज़ द कॉइन एक्चुअली ओके जॉर्ज यहाँ पे लिखा हुआ देखिए जॉर्ज फाइव का एक कॉइन था ठीक है ऐसे टाइप का एक कॉइन था जो रोअल डैल की मम्मी ने रोअल डैल को गिफ्ट किया और क्यों गिफ्ट किया द मदर टोल्ड द मदर टोल्ड रोअल जब रोवल डैल ने पूछा ना कि ये गिफ्ट किसके लिए और क्यों ये गिफ्ट मेरे लिए तो है ये गिफ्ट बट क्यों किस चीज के लिए गिफ्ट तो मम्मी ने कहा कि दैट्स फॉर बींग ब्रेव ये बिल्कुल आपके किताब से लिया गया है दैट्स फॉर बीइंग ब्रेव कि तुमने साहस दिखाया दैट माई बॉय यू वेरी ब्रेव तुम बहुत साहसी हो एंड यू डिड वेरी वेल तुम बिल्कुल चिल्लाए नहीं जैसे दूसरे बच्चे करते ना अगर दर्द होता तो दर्द के मारे दे वुड स्टार्ट शाउटिंग ठीक है ना तो रोवल डैल ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया ही वॉज़ वेरी क्वाइट ही वॉज वेरी काम उन्होंने एक दो बार कहा कि थोड़ा दर्द हो रहा है लेकिन वो बिल्कुल काम थे बहुत काम थे वो चुपचाप थे तो उनकी मम्मी ने कहा कि तुम बहुत चुपचाप थे यू डिड वेरी वेल आई एम प्राउड ऑफ़ यू मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि तुम जो हो बहुत साहसी हो इतने एक क्राइसिस का मोमेंट में भी तुम बिल्कुल तुमने बिल्कुल पैनिक नहीं किया इतना बड़ा क्राइसिस था तुम्हारा जो नाक है वो नूज से चेहरे से गिर गया एक हैंग किया हुआ पोजीशन में था इतना खून बहा बट देन स्टिल यू शोड सो मच ऑफ ब्रेवरी ओके यू डू सो मच ऑफ ब्रेवरी आई एम प्राउड ऑफ यू और ये कह के जो है कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाता है कहानी में इतना सब एनालिसिस है नहीं बिल्कुल मम्मी जो है बहुत ब्रीफ थी मम्मी कैसे उठा के रोअल डैल को डनबर्क के क्लिनिक लेके आई रोअल डैल बिल्कुल नहीं चिल्लाए वो बिल्कुल शांत थे एक दो बार उन्होंने कहा कि थोड़ा दर्द हो रहा है बट वो बिल्कुल शांत थे जब उनको क्लोरोफॉर्म दिया गया तब भी वो शांत थे ही डिड नॉट शाउट अ बिट वो बिल्कुल नहीं चिल्लाए ठीक है ना तो फाइनली उनको गिफ्ट मिला और गिफ्ट किया था ये जॉर्ज किंग फाइव का एक गोल्ड कॉइन सूवर ठीक है तो यहीं पे कहानी ख़त्म बहुत अच्छी नोट पे कहानी ख़त्म हो गया तो द वीडियो एंड हीयर ओके आई होप यू हैव लाइक इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल लाइक माई वीडियोज़ शेयर माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स एंड दिस इज़ द लोगो ऑफ माई चैनल ओके यू कैन गो एंड टाइप ओमनी ज्ञान इन यूट्यूब एंड जस्ट सी दिस लोगो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यस हिट द बेल आइकन एक बेल आइकन दिखेगा उसको आप हिट करके ऑल पे प्रेस कर दीजिए okay so that whenever i upload any new video you will never miss you will never miss okay so that's all from me with love from omnigan and all the best to all of you stay safe thank you